तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ ब्लैक हल्दी, जिसे कि काली हल्दी कहा जाता है, और इसे आप अपने घर पे आराम से बना सकते हैं, जिससे कि आप अपने ना झाइयों को, पिगमेंटेशन को, मेलाज्मा को, फ्रेकल्स को बहुत ही आसानी से टाटा बाय बाय बोल सकते हैं। ये बहुत ही घरेलू सा उपाय है जो कि बहुत सारे लोग करते हैं और इसका लाभ लिया है। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा और ये बहुत ही अमेजिंग आपको रिजल्ट देने वाले हैं। आपकी झाइयां, आपकी पिगमेंटेशन बहुत ही आराम से रिमूव हो जाएंगे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं इसे किस तरह से बनाना है। अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए इस यूजफुल वीडियोस को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे तवे को गरम कर लिया है और यहाँ पे 2 टेबलस्पून के अकॉर्डिंग मैंने हल्दी डाल दी है। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून लिया है मैंने। अब 1 बिग टेबलस्पून लेना हल्दी और इसे अच्छी तरह से ना अब हम चलाते चलाते इसे ब्लैक कर लेंगे। आप लोगों को पता है हल्दी में पाया जाता है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, जो कि हमारे स्किन से ना एक्ने की जो स्कार्स होते हैं उसे रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बट इस तरह से आपने ब्लैक हल्दी बना के अपने फेस पे, झाइयों पे लगा ली तो ये कमाल कर देगा, रातों रात आपकी झाइयाँ भी गायब हो जाएंगी। तो बस इसी तरह से आपको तवे पे भुनना होता है। ये हमारी हल्दी रेडी हो चुकी है। अब इसे अप्लाई करने का तरीका देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए ये है वो ब्लैक हल्दी जो कि मैंने बनाई है। आपने देखा इसे किस तरह से मैंने बनाया है। इसे तवे पे आपको भुनना होता है। आप लोगों को पता है कि जैसे हल्दी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है हल्दी में, और हल्दी से हमारी एक्नी भी अच्छी हो जाती है। अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं हनी। आप इसमें हनी ऐड कर सकते हैं या फिर एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल हाइपर पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा, आपकी स्किन को नॉरिशमेंट देगा और ब्राइटन भी बनाएगा। जहां जहां आपको झाइयों की प्रॉब्लम है उसका आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करने वाला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ एलोवेरा जेल। सो आपको एलोवेरा जेल लेना है और यहाँ पे मैं इतना ही एलोवेरा जेल ऐड करूंगी इसके अंदर, ताकि इसकी एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी बन जाए। मैं आप लोगों को इसे अप्लाई करके भी दिखाऊंगी। कम से कम 2 टेबलस्पून के अकॉर्डिंग आपको एलोवेरा जेल इसमें मिक्स करना है। और उसके बाद में मैं ऐड करने वाली हूँ इसके अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल है। फ्रेंड्स, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं या फिर प्लेन वाली कोकोनट ऑयल भी ले सकती हैं, यूज कर सकती हैं। तो यहाँ पे जस्ट हमें इतना ही 2 टेबलस्पून के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ऐड करेंगे। मैंने पतंजलि की वर्जिन ऑयल ली है तो यहाँ पे इसे ऐड करूंगी। ये हमारे स्किन को ना बहुत ही अच्छी तरह से नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, साथ ही साथ आपके स्किन की टेक्सचर को ना इम्प्रूवमेंट करेगी, और झाइयां जो है, मेलाज्मा, फ्रेकल्स है ना, ये रिमूव करते जाएगा डे बाय डे। तो आपको बस इसी तरह से इसमें अप्लाई करके अच्छे से एक पेस्ट बना लेना है, एक थिक कंसिस्टेंसी आपको इसमें बना लेना है। अगर आपको लगे कि आप इसमें और भी एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स इन तीनों चीजों को आप बना के अच्छे से एक पेस्ट बना के रेडी कर लीजिए। देखिए ये पूरा ब्लैक फॉर्म में होती है जब हमने इसे तवे पे रोस्ट किया था, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से आपके मेलाज्मा एंड फ्रेकल्स को दूर करेगा। अगर आपको इरिटेशन होती है, तो इसलिए मैंने बोला कि सम पीपल्स गेटिंग अ इरिटेशन अबाउट द स्किन पे ना, तो आप इसमें एलोवेरा जेल जरूर ऐड करिए। इसमें आप हनी भी ऐड कर सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप ये हमारा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। एलोवेरा जेल एक्चुअली सूद करेगा आपकी स्किन को, और इसी तरह से अब हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये इस तरह से हमने इसे बना लिया है। सो चलिए इसे अब अप्लाई करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है ना। आपको उसी मात्रा में बनाना होता है ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए ये ब्लैक हल्दी, और इसे ना आप अपने फेस पे अप्लाई करें। जहां जहां पे आपको मेलाज्मा है, झाइयों की जो प्रॉब्लम है उसे आप अच्छी तरह से, जहां जहां पे है उसे इसी तरह से आपको लगाना होता है। अगर आपको यहाँ पे है, चिक्स के ऊपर है, तो आप यहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा मेलाज्मा की प्रॉब्लम, मैंने देखा है लोगों को यहाँ भी होती है, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे भी लगा लेना है। तो ये अच्छी तरह से आपको इसे अप्लाई कर लेना है अपने पूरे चेहरे पे, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मुझे पिगमेंटेशन एंड मेलाज्मा का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमेशा आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप सन एक्सपोजर में जाते हैं, बाहर जाते हैं धूप में, तो अच्छी तरह से आप अपने फेस को ना कवर करके रखिए। वो भी एक कारण है। बहुत सारी चीजें होती है फ्रेंड्स जो मेलाज्मा की प्रॉब्लम होती है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, दवाइयां अगर हम खाते हैं बहुत सारी, तो इसी तरह से आपको बनाना है इस हल्दी के
पाउडर को और अपने पूरे फेस पे जहाँ जहाँ आपको झाइयों की प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन वहाँ वहाँ आप अप्लाई कर लीजिए। इसके बाद ना आप अच्छे से प्लेन वाटर से आप अपने फेस को क्लीन कर सकती हैं। और फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा घरेलू DIY है, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर कॉमेंट करके बताइएगा। इसे यूज करिए, हफ्ते में 2 बार यूज करना, आपको महीने भर में आप देखेंगे कि आपकी जो पिगमेंटेशन है झाइयाँ हैं वो डे बाय डे लाइट होती जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, सो चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। चाचा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे, लव यू। इसे क्लीन कर लेंगे हम प्लेन वाटर से।